ऑडियंस रिएक्शन बताएं, कोई कहीं बाहर गई, कुछ हुआ, कोई फैन रिएक्शन, कोई अच्छा बुरा दोनों शेयर करें कुछ. क्यों कर रही हूँ समीन के साथ ऐसा, क्यों कर रही हूँ, मैं नहीं कर रही. बहुत ज़्यादा यार, जो मुझसे मिल रहा है वो फो नफ़रत हो गई है तुमसे, उफ अल्लाह इतनी बदतमीज़ी कर रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो, छोड़ दो उसकी जान, क्या हो गया है. सब मुझे यही बोल रहे हैं, सब लोग यही बोल रहे हैं, इवन मेरी खुद की अम्मी और मेरे खुद के दोस्त यही बोल रहे हैं, यार तुम कितनी बुरी हो, शर्म नहीं आती तुम्हें. अम्मी देखते मेरे सामने बोल रही होती हैं, बेचारी सबूर, शर्म नहीं आती ना तुम्हें, जरा क्या वीडियो मैसेज सबूर, देखो मुझे ये सुनने को मिल रहा है, तुम्हारी को मिल रहा है. हाँ मैं जरूर सबूर को, मैं नहीं किया मैंने मैसेज, लेकिन मैं मैसेज सबूर को करूंगी कि तुम पे तुम्हारी वजह से मुझे सुनने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, बहुत सुनने को मिल रहा है. अच्छा, मरीना खान के साथ काम करना कैसा था? बहुत. व्हाट वाज डिफरेंट अबाउट हर? कोई नई चीज़ जो आपने सीखी? शी इज़ लाइक वर्कहॉलिक. हाँ, शी इज़ लाइक, शी इज़ कूल, शी इज़ शी इज़ डिफरेंट, पता नहीं क्यों. शी इज़ लाइक, उनके बहुत वो काम के वक्त होगा कि वो काम करेंगी, मजाक के वक्त शी इज़ अ टोटली डिफरेंट पर्सन. ओके. और फिर किसी भी चीज़ में, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो हर टॉपिक पे, हर चीज़ में खुद को ढल जाती हूँ उसके. Nice. वो इस तरह वाली चीज़ है. ओके. तो हमें पहले जब मैं फर्स्ट टाइम सेट पे गई, मैं तो बहुत डरी हुई थी. मैंने कहा यार, तो और कैरेक्टर ऐसा जो मैंने काफ़ी अरसे से नहीं किया था, नेगेटिव है, उसको परफॉर्म करना है. फर्स्ट डे मैंने शूट किया था, आई थिंक वो सीन जब फराज और समीन का निकाह हो रहा होता है. Okay. और मैं उसके पास, समीन के पास आती हूँ और ये सब कुछ. फराज के पास भी जाती हूँ. फराज के पास भी जाती हूँ. तो वो वाला सीन शूट किया था हमने. मैंने सीन शूट किया एंड देवर शूटिंग पहले से, ये लोग कर रहे थे शूट. मेरा फर्स्ट डे था तो मैंने वो सीन किया और मैंने बस, मतलब मैंने कर दिया. मैं प्रिपेयर करके आई थी, मैंने कर दिया. एंड शी वॉज रियली हैप्पी. शी सेड दैट आएगा मज़ा ड्रामे में. मैंने कहा ये तो कूल वाली बात है. और मुझे कह रहे हैं किसी को नाइस नहीं कहती वो, बहुत मुश्किल है और नाइस नहीं करना. मैंने कहा ओके, देन आई वाज कॉन्फिडेंट. ओके, कि हाँ चलो उनको समझ में आ गया. शी इज़ रियली गुड. लाइक वो जिस तरह से आपको समझाती है ना, और वो जिस वही वाली आपकी बात की, अगर उन्होंने वो भी समझाया कि सेड्यूस करेगी, तो वो कितना सेड्यूस करेगी. ओके. कि वो बुरा ना लगे स्क्रीन पे, वो सब उसका मार्जिन रखना. शी इज़ परफेक्ट इन इट. ओके, बहुत अच्छी तरीके से. एंड हाउ वाज वर्किंग विद सबूर एंड खुशहाल? आप तीनों की कॉम्बिनेशन बड़ी अच्छी है. एक तो ये बड़ी फ्रेशनेस लगी हमें कि तीन नए चेहरे, मतलब ये तीन चेहरे एक दफ़ा, एक पहली बार एक साथ आए हैं. सबूर इज़, आई थिंक शी इज़ अ वंडरफुल एक्ट्रेस. पहली बात तो ये, जब वो सामने आपके सीन कर रही होती है तो होता है ना कि आपको मज़ा आ रहा होता है, कोई आपको सामने से वाला क्यों मिल रहा है कि अच्छा है. एंड आई होप वो भी यही, उसने भी यही सोचा होगा. सो शी इज़ गुड ऑन सेट. और फिर हमारी, मुझे लगता है कि दो तीन दिन ही हमने काम किया होगा, हमारी फिर बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई, दोस्ती हो गई, सब कुछ लग रही है. कर रहे हैं एक दूसरे से, क्या पहनूं, क्या करें, ये वाली चीज़. एंड खुशहाल इज द एनर्जेटिक मैन ऑन द सेट, वो वाली चीज़ है. वो आता है सेट पे और ये वाली चीज़ होती है. ओके. तो खुशहाल इज़ लाइक बड़ी गुड किड वाली चीज़ है. ओके. सो खुशहाल से जब पहली बार मिली तो क्या इम्प्रेशन था आपका? क्या कोई वाक्य सुने, पहली बार मुलाकात कैसे हुई? पहली बार मुलाकात खुशहाल, जब मैं रूम में गई तो खुशहाल खड़ा हुआ था एंड सबूर वॉज़न देयर. आई थिंक सबूर कहीं बाहर थी, बट शी वॉज ऑन द लोकेशन, बट कहीं बाहर थी. तो मैं गई एंड खुशहाल वॉज लाइक अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मैं जाके बैठ गई. मैं, मेरा तो फर्स्ट डे ऐसे ही होता है सेट पे, दो तीन दिन मैं चुपचाप बैठ के रहती हूँ, देखती हूँ किससे बात करनी है किससे नहीं करनी. खुशहाल बैठा हुआ, खुशहाल वॉज प्लेइंग विद सम टॉय आई थिंक, पता नहीं क्या वो कुछ कर रहा था. अच्छा. मैं देख रही थी उसको क्या कर रहा है. अच्छा, ये फराज है. ओके. ठीक है. उसके बाद फिर हुमायूं केम एंड हुमायूं वॉज रियली नाइस. हुमायूं, ही इज अ वेरी डिसेंट मैन, ही इज़ अ गुड मैन टू वर्क विद, ही इज़ वंडरफुल. एंड देन फिर खुशहाल और मेरी ना, खुशहाल को बहुत बुरा लगता है जब उसे कोई उसका नाम को गलत ले. अच्छा. बहुत बुरा लगता है. तो मैं ना उसको बोल दिया, मैंने कहा खुशहाल अगर तुमने, पता नहीं इसने मुझे कुछ बोला, मैंने कहा खुशहाल अगर तुमने ऐसा कहा ना तो मैं तुम्हें, तुम्हारा नाम ये लेना शुरू कर दूँ. प्लीज़ डोंट डू दैट. और फिर सब पीछे से हंसने लगे. खुशहाल की दुखती रख पे हाथ रखती है ना. एंड देन हमारी ना वो टसल शुरू हो गई ना. तो खुशहाल हमेशा सबको सेट पर कहता था, शी इज़ नेगेटिव इन दिस प्ले. She's negative. हाँ, she's, I'm positive. She's negative. Okay, खुशहाल.
We all know that. खुशहाल हो okay. हाँ. तो क्या नाम बोला था आपने खुशहाल को तंग करने के लिए? यार वो आई थिंक हिज नेम इज खुशहाल. और अगर उसको कोई खुशहाल कह दे खुशहाल कह दे हाँ. कुछ मुझे नहीं पता मैं सही बोल रही हूँ नहीं, लेकिन उसको हाँ. जरा सा भी उल्टा कर देना तो वो उसको बुरा लगता है. अच्छा एक फन सेगमेंट करते हैं. आपके जो को स्टार्स हैं दोस्त भी हैं जिनके सब सहर है, उसामा है, खुशहाल है, सबूर है, ठीक है, हमायूं हैं और जैन है, ठीक है, इन सब में कौन है? मैं आपको कुछ ऑप्शंस बता रही हूँ, आपको मुझे बताना है कि इनमें से कौन ये करेगा या नहीं करेगा, किसका रिएक्शन क्या होगा, ठीक है. इनमें से कौन है हु वुड गिव अप ऑन अ शावर इफ ही और शी हैज टू मीट एवरीवन ऑन टाइम फॉर अ ब्रेकफास्ट डेट? कौन है इनमें से? दो नाम भी ले सकती हैं. जल्दी पहुंचना, जल्दी पहुंचने देर हो रही है. सोचे ना, सहर हो सकती है, उसामा हो सकता है, खुशहाल हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता. सारे साफ सुथरे लोग हैं, कोई नहीं हो सकता. हम भी नहीं कहा कि वो बुरे लोग हैं या वो साफ सुथरे लोग नहीं हैं या गंदे लोग हैं. हम तो कह रहे सोचे तो कौन जल्दी बोला दफा करो यार, टाइम पे पहुंच जाऊं. आर यू फीलिंग कि मैं क्या सोच रही हूं उस वक्त? आई एम नॉट गोइंग इन दैट डायरेक्शन. इट्स अप टू यू, व्हाटएवर यू आर थिंकिंग और इमेजिनिंग. वी आर नॉट नो, वी आर नॉट जजिंग यू ज़ैनब. सहर, सबूर, हम लोग विल गिव अप. ओके, ये क्या ये? So, सहर सबूर को बोल दिया आपने. हाँ, सहर सबूर will not will give up on a chance. क्योंकि लड़कियों को वैसे भी थोड़ा टाइम लगता है, लड़के तो धीरे-धीरे करके आ जाते हैं आई थिंक. तो हाँ, लड़कियों पे डाल दो बात सारी. ठीक है, ठीक है. अच्छा, which one of these would call you at 2 AM to discuss what she should wear to the party tomorrow? सहर. और आपका दिल चाह रहा होगा बस छोड़ दो मुझे. सहर हाँ, क्या करेगी सहर? रात के 2 बजे 4 बजे कॉल करेगी. अच्छा, आपको वीडियो कॉल करेगी. मैं क्या पहनूं, मैं क्या करूं? अच्छा, मैं यहाँ जाऊँ? अभी भी सहर ने मुझे कॉल की कि मैं यहाँ जाऊँ या नहीं जाऊँ. मैंने कहा मैंने कहा हाँ कर चुकी. हाँ मैं हाँ कर चुकी हूँ. मैंने कहा अच्छा कल है? कहती नहीं नहीं मैं 1 घंटे में निकल रहा हूँ. मैंने कहा आपके पास है, मेरी भी नींद खराब कर रही हो तो मुझे तो सोने दो 1 घंटे में. Tell me something else about Seher. You are good friends, right? Seher is a he's a pataka, he's a chota pack, bada dhamaka. तो Seher जब बात कर रही होती हैं तो वो तो फिर non-stop होता है ना. तो फिर उनको रोका कैसे जाता है? और how do you interject? हम Seher को कोई मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा उसामा Seher को मेरे ख्याल 10-15 दफा बोल चुका है Seher मेरी सुन लिया करो, सामने वाला बोल रहा होता है कुछ अपना नहीं बोलते. Seher कहती है अच्छा ठीक है ना, अच्छा बताओ. अच्छा मैं बताती हूँ. So no use. No use. हम कहते हैं okay से है. Okay. सही है. But she is a good girl. She is like a good helper. And सहर का सहर दिल की बहुत अच्छी है. Okay. इनमें से कौन है who would not let go of an opportunity to make you pay for the food that they have eaten? उसामा. He'll make everybody else or you pay. Everybody else. हाँ, मतलब खुद ही पे करना. हम ग्रुप में होते हैं तो वो भी पे साइड से निकल जाएंगे कि उनको ना पे करना पड़े. लेकिन वो बोल देंगे कि आप पे करो. ओह अच्छा ओके. इनमें से कौन है हु वुड नॉट लेट एनी चांस गो बाय टू एम्बैरस यू इन फ्रंट ऑफ योर क्रश? पता चल जाए दैट अच्छा ये बंदा मुझे अच्छा लग रहा है, तो इनमें से कौन फ्रेंड है जो विल मेक श्योर कि आपको कोई ना कोई तंग करे उस बंदे के सामने या कुछ ऐसा? मेरे ख्याल से सभी करेंगे. सभी करेंगे, सभी कोई करेंगे. हुआ है कोई वाकया हुआ है कोई जो? नहीं ऐसा कभी हुआ नहीं. अच्छा चलिए, हाँ तो क्रश नहीं, फ्रेंड के सामने बोल दें. फ्रेंड के सामने किया, किसी डायरेक्टर के सामने किया हो या किसी बड़ी पर्सनालिटी के सामने तंग किया हो या वो किया हो, कोई ऐसा वाकया हुआ है? आई थिंक सहर ही कर देगी मुझे लगता. क्या करेगी? सहर बोल देती है सब. हाँ. कुछ बोल देती है, कुछ ना कुछ बता देगी. हमें कोई बात किसी तक पहुंचानी होती है, हम सहर को बताओ वो पहुंचा देगी. तो आई थिंक सहर ही करेगी. व्हिच वन ऑफ दीज वुड ऑलवेज ट्राई टू टेक ऑल द सिंपैथी फ्रॉम द ग्रुप? हुमायूं अशरफ. सीरियसली हाउ? अच्छा जी, नाउ कमिंग टू टेल मी ज़ैनब, हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू बी सक्सेसफुल इन योर करियर एंड थिंक अबाउट फाइंडिंग लव? इज़ इट ईजी जब औरत बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हो काम में, करियर में, तो आसान होता है इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलना, और वो भी वो काइंड ऑफ लव हु विल एक्सेप्ट योर सक्सेस एंड सपोर्ट यू? आपका क्या एक्सपीरियंस अब तक?
difficult. It's easy, but on the other hand, it's difficult.